नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सोनीपत के मुरथल से सामने आया है, जहां 5 दोस्त दिल्ली से कार में सवार होकर सुखदेव ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। तभी फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही ट्रक के साथ कार की दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मौके पर ही कार में सवार 4 युवकों की मौत हो गई है। बताया गया कि दिल्ली के रोहिणी से तुषार गुप्ता, जो कि कोचिंग सेंटर चलाता था, उसके 2 शुभम शर्मा और वैभव ककराल, जो कि एक इंजीनियर थे और आईटी कंपनी में काम करते थे, मेगा पीजी की पढ़ाई कर रही थी। जब वह यहां मुरथल क्षेत्र में ढाबों पर खाना खाने के लिए पहुंचे तो उनकी आईटन गाड़ी एक ट्रक के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनके मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें उनका एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मुरथल पुलिस थाना से जांच अधिकारी अजमेर सिंह ने बताया कि ट्रक के साथ I-20 गाड़ी की भिड़ंत हुई है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें 4 लोगों के शव कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल में भेज दिया है। उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं जांच अधिकारी अजमेर सिंह ने इस पर क्या कहा। पुलिस ने मौके पर जाके एफआईआर दर्ज कर दी है, तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम के बाद कितने बच्चों की मौत हो गई, किस तरह से इधर आई है? 4 लड़कों की मौत हो गई और एक इंजर्ड हो गया। किस तरह से ये हादसा हो गया? ये सुखदेव होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे, जब फलों ढाबा के सामने एक लागे रोड क्रॉस करते उसको बचाते समय एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने किसके खिलाफ कार्रवाई की? ट्रक जो सामने से अनजान है? नहीं, नंबर है। अच्छा, कंफर्म हो गया। यस।